बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 21 मार्च 2020 बरोज हफ्ता, सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से आरजी तौर पर सारे बैंक बंद हैं, लेकिन जिन भाइयों के पास बैंक का ऑनलाइन सिस्टम होता है वो किसी भी वक्त अपने ऑनलाइन सिस्टम से पैसे सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज के हवाले से सऊदी रियाल का ताज़ा रेट क्या चल रहा है। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। आज हम सबसे पहले अल राजी बैंक के बारे में बताएंगे। तो अल राजी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 41.80 रुपये का, इंडिया के लिए 19.57 रुपये, जबकि बांग्लादेश के लिए 22.51 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 30.95 रुपये का। अगर बात हो जाए वेस्टर्न यूनियन के बारे में, तो वेस्टर्न यूनियन पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 41.38 रुपये का, इंडिया के लिए 19.59 रुपये, जबकि बांग्लादेश के लिए 22.37 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.61 रुपये का। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं फौरी बैंक के बारे में। तो फौरी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 41.52 रुपये का, इंडिया के लिए 19.63 रुपये, जबकि बांग्लादेश के लिए 22.26 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.56 रुपये का। इसके अलावा हम बात करेंगे एक्सप्रेस मनी के बारे में। तो एक्सप्रेस मनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 41.79 रुपये का, इंडिया के लिए 19.73 रुपये, जबकि बांग्लादेश के लिए 22.52 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 30.95 रुपये का। अगर हम बात करें मनीग्राम के बारे में, तो मनीग्राम पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 41.50 रुपये का, इंडिया के लिए 19.54 रुपये, जबकि बांग्लादेश के लिए 22.38 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.56 रुपये का। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं इंजाज बैंक के बारे में कि क्या रेट दे रहा है। तो इंजाज बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 41.58 रुपये का, इंडिया के लिए 19.72 रुपये, जबकि बांग्लादेश के लिए 22.50 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.32 रुपये का। अगर हम बात करें एनबी टेलीमनी के बारे में, तो एनबी टेलीमनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 41.10 रुपये का, इंडिया के लिए 19.36 रुपये, जबकि बांग्लादेश के लिए 22.25 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.00 रुपये का। इसके अलावा बारी आती है एनसीबी क्विक पे का। तो एनसीबी क्विक पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 41.19 रुपये का, इंडिया के लिए 19.53 रुपये, जबकि बांग्लादेश के लिए 22.26 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.05 रुपये का। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं सऊदी इरसाल के बारे में। तो सऊदी इरसाल पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 41.10 रुपये का, इंडिया के लिए 19.48 रुपये, जबकि बांग्लादेश के लिए 22.23 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.20 रुपये का। इसके अलावा बारी आती है रियाद बैंक का। तो रियाद बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 41.57 रुपये का, इंडिया के लिए 19.52 रुपये, जबकि बांग्लादेश और नेपाल के लिए इनके पास कोई बंदोबस्त नहीं है। तो दोस्तों इसके अलावा हम बात करने वाले हैं एसटीसी पे के बारे में कि क्या रेट दे रही है। तो एसटीसी पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 41.61 रुपये का, इंडिया के लिए 19.59 रुपये, जबकि बांग्लादेश के लिए 22.37 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 31.68 रुपये का। तो दोस्तों ये थे आज के हवाले से सऊदी रियाल के बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश रेट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के मालूमाती वीडियोस डेली बेसिस पर मिलती रहें, तो आप वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर दबाएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा और हमारे आने वाली वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों दूसरी वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।